और अब यहाँ पर जो पेशेंट संदिग्ध पाए गए हैं, अब उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। एक और यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो अपना सैंपल उनका लिया जाएगा। डॉक्टर दास यहाँ पर इस कार्य को संचालित कर रहे हैं। देखिए आप ये तस्वीरें किस तरीके से कोरोना वायरस के सैंपल्स लिए जाते हैं, इन्हें जांच पर भेजा जाता है और तब रिपोर्ट के आधार पर पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट किया जाना है वो काम आगे बढ़ाया जाता है, उस गतिविधि को आगे बढ़ाया जाता है। हम प्रयास करेंगे कि डॉक्टर दास से भी चर्चा करें। सर, कितने दिनों से लगातार इस तरह से सैंपलिंग कर रहे हैं? अभी तो मुझे 2 दिन हुए हैं, दूसरा दिन है। हाँ और अभी दूसरा दिन है, पर लोगों का सपोर्ट अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है फिलहाल। और सर, कितनी टीमें शहर भर में होगी और सैंपलिंग के लिए सर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये थोड़ा अगर आप बताएं। सैंपलिंग के लिए पहले किट पहना जाता, पहले रजिस्ट्रेशन होता है सबका, बस जितने भी हैं जिनको टेस्ट करना है, उसके बाद किट पहना जाता है, उसके बाद फिर सैंपलिंग स्टार्ट होता है। और सर, तो जो सैंपलिंग की जाती है उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, किस यहाँ से सैंपल लिया जाता है, फिर सैंपल जाता है MGM जो लैब है, लैब जाता है वहाँ से, फिर टेस्ट रिपोर्ट वो 5-6 दिन में लगते हैं, वहाँ से रिपोर्ट आती है, सर ये वो कैसी? सीधे सीधे पेशेंट के मोबाइल पे आती है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। सर हम देख रहे हैं कि गले में से ये सैंपल लिया जाता है, जी, ये गले में से भी लिया जाता है, नाक में से भी लिया जाता है। जी ठीक है, तो गले का जो हिस्सा है जिसको हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं पीछे, उसके वहाँ से लिया जाता है, और नाक का जो है नेजोफेरिंग्स एक एरिया होता है नाक के अंदर बहुत डीप जाना होता है, वहाँ से लिया जाता है। तो अभी हम ओरो से ले रहे हैं, नाक से अभी ले सकते हैं, पर वो बहुत, अगर मुंह में कुछ प्रॉब्लम है, अगर नहीं खोल पा रहे हैं तो हम ले। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो आप देखिए किस तरीके से जमे हुए, एक बार फिर विवेक जी हमारे साथ में बने हुए सर, हमने देखा।